क्योंकि पत्नी नाम करती थी ना, मरने के टाइम प्रभुपाद का याद आ गया, प्रभुपाद की नाम लिया दिया था, बचाओ बचाओ बोला, प्रभुपाद वहाँ प्रकट हो गए हमारे, प्रभुपाद उनको भगा दिया, फिर वो जिंदा मरा नहीं, जान नहीं गया उसका, जिंदा हो गया क्योंकि प्रभुपाद जी आ गए, बचा लिया उसको, भक्ति करती थी। महाराज जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे भक्तों के सवाल होते हैं कि भैया कि हमारे पति भक्ति नहीं करते या फिर मेरा बच्चा भक्ति नहीं करता, मैं काफी बार उन्हें बोलती हूँ वो गलत संगत में पड़ा हुआ है, तो महाराज जी उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं ताकि उनके परिवार में एक भक्ति का रूप बना रहे, सुख में शांति में रहे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा की लीला हुआ है, कथा ऐसी कथा है ऐसा। अच्छा, आप कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं सभी? एक हमारे दादा गुरु का जो गुरु परदादा गुरु थे जी, आपने जो दिखाया मैंने, हाँ जो तीन जो आपने दिखाए हाँ, थे मुझे। अच्छा। तो उनका एक शिष्य थे, चरण आश्रय किया था। अच्छा। हरि नाम लिया था जी, आसाम से पति पत्नी दोनों लिया था, लेकिन वो पति क्या हुआ वो सर आप बाद में क्या हुआ, हरिनाम तो ले लिया लेकिन भजन नहीं किया कभी, भजन बाद में उसका मन खराब कैसा हो गया, शराब पीता था और नशे खेलता था, भजन नहीं करते था, जो भी मन में आया वही करता था, बुरा भला काम करता था, और लेकिन उसका पत्नी उसका माला से भजन भगवान का भजन करता था करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। ऐसा होते होते क्या हुआ, मरने का टाइम उसका आ गया, तबीयत खराब हो गया। अच्छा, उनके पति के मरने का टाइम आ गया पति का। जब पति का मरने का टाइम आ गया, वो जमदूत को देखा, जमदूत आ गए लेने के लिए, भयंकर जमदूत को देखा तो हम प्रभुपाद कहते हैं, हमारे परदादा गुरु को प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद बचाओ ऐसा चिल्लाया, क्योंकि पत्नी नाम करती थी ना, मरने के टाइम प्रभुपाद का याद आ गया, प्रभुपाद नाम लिया दिया था, बचाओ बचाओ बोला, प्रभुपाद वहाँ प्रकट हो गए, प्रभुपाद उनको भगा दिया, फिर वो जिंदा मरा नहीं, जान नहीं गया उसका, जिंदा हो गए क्योंकि प्रभुपाद जी आ गए, बचा लिया उसको, स्त्री भक्ति करती थी इसलिए वो बचा लिया, प्रभुपाद ने उसको भगा दिया, और वो तुरंत मैं ये माला कहाँ लाओ, जल्दी लाओ, तभी से और फिर माला नहीं छोड़ा जीवन में कहीं। अच्छा, महाराज जी का कहने का पूरा तात्पर्य यही था कि एक पत्नी थी, उनके पति नशेबाजी करते थे और गलत संगत में पड़े हुए थे, और जब गलत संगत में पड़े थे तो एक समय जब उनकी मृत्यु का समय आया, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी ने अपने ठाकुर जी को, अपने गुरु जी को, अपने प्रभुपाद जी को पुकारा, प्रभुपाद जी उनकी भक्ति से, पति खुद पुकारा ऐसा। अच्छा, पति मरने के टाइम भजन करती थी ना स्त्री। अच्छा, उनकी पत्नी भजन करती थी तो उस वजह से उनके पति जब मरने के समय आए तो पति ने प्रभुपाद जी को बुलाया, और प्रभुपाद जी को बुलाकर प्रभुपाद बचाओ ऐसा बोला, प्रभुपाद जी बचाओ, और प्रभुपाद जी ने जब उन्हें बचा लिया, उनके प्राणों की रक्षा की, यमदूत जो वापस हो गए, उसके बाद तब उसने अपने पति से, उसने अपनी पत्नी से माला पकड़कर तब से ठाकुर जी का नाम जपना प्रारंभ किया, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा। और वो खुद लिखा है किताब में ये बात, अपना अनुभव खुद लिखा, ये कोई मनमानी बात नहीं, लिखा हुआ है किताब में, वो खुद लिखा है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने खुद इस बात को लिखा हुआ है, लिखा है हाँ। अच्छा, देखिए यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पति या फिर आपके बच्चे अगर किसी गलत संगत में अगर पड़े हुए हैं, तो आप अगर उनके नाम से भक्ति करेंगी तो उसका भी फल उनको प्राप्त होगा, और अगर आप ठाकुर जी से मांगेंगी कि मेरे पति और मेरे बच्चे अगर गलत संगत में है, ठाकुर जी है गोविंद, अगर आप उन्हें भक्ति प्रदान करें और भक्ति की राह का एक रास्ता दिखाएं, तो अवश्य संतों का ऐसा माना गया है कि ठाकुर जी की कृपा अवश्य होगी, और उन्हें ठाकुर जी एक रास्ता भी दिखाएंगे, उस सबसे निहात दिलाएंगे, उस सबसे छुटकारा भी पवाएंगे।